हाय, दिस इज सैंडी धनुधारी। आज के एल्बम के बारे में अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एल्बम है, एल्बम के बारे में बात करें, टाइटल क्या है और इस पे कौन कौन परफॉर्म करने वाले हैं? ये हमारा फर्स्ट डेब्यू एल्बम है। पॉप गाना है, जैसे हम लोग जावेद अली से गवा रहे हैं और फर्स्ट टाइम जावेद अली जी पॉप सॉन्ग गाने वाले हमारे मूवीज के लिए। मूवी का नाम है शंभो, ये हमारा पहला एल्बम है। ये हमारे डायरेक्टर सर आपको बताएंगे, उन्होंने कंपोज किया है, मिस्टर दुर्गेश विश्वकर्मा जी, वो आपको सारे बताएंगे डिटेल गाने के बारे में। हाय, दिस इज दुर्गेश विश्वकर्मा, म्यूजिक डायरेक्टर। सर, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, एल्बम किस तरह का है? कॉन्सेप्ट ये है, ये पॉप एल्बम की तरह है, मस्ती धमाल, मस्ती का मूड है, धमाल सॉन्ग है। आप थोड़ा सा हिंदी और मराठी एलिमेंट्स मिक्स करके बनाया है और फर्स्ट टाइम थोड़ा सा मूड ये होगा कि जावेद अली जी इसको गाएंगे और ये कुछ यूनिक बन के आएगा बाहर, ये प्रोडक्ट। जावेद अली साहब हमेशा सूफी गाना गाते हैं, इस बार ये कुछ अलग हटके चल रहा है। यस, यही मैंने सोचा है कि उनका ही गाना था मैं तेरा हीरो में, कि अपने आशिक को मनाना कुछ अलग बात है, गलत बात है, समथिंग। वो ही टोन पकड़ करके मैंने ये इसी जोन का एक पॉप एल्बम मैंने बनाया है और प्रेफर किया कि जावेद अली जी गाए। और ये जावेद जी की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस गाने के लिए प्रेफर किया और कहा कि हाँ जी, बढ़िया गाना है और गाने के लिए रेडी हुए हैं, ये अच्छी बात है मेरे लिए। एल्बम पहचान के लिए बनाई जाती है, पब्लिसिटी के लिए बनाई जाती है, तो इसका मकसद क्या है एल्बम का? मकसद ये कि मैं कमर्शियल है, ये फुली कमर्शियल है, ये मैं एक एग्रीम प्रोडक्शन जो है उनके लिए काम कर रहा हूँ और ये न्यू प्रोडक्शन है, तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल वगैरह चेक किया, सारा कुछ उनको काम अच्छा लगा, सो उनके साथ मेरा ये डेब्यू है और लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि आगे बहुत अच्छे काम करते रहेंगे हम लोग। शंभू की जो बात करें, टाइटल के बारे में, ये है शंभू, जिसे शंभू जी का मस्ती होता है जब वो डांस के मूड में होते, तो तांडव मूड होता है उनका, तांडव मस्ती, तो यही जोन पकड़ करके थोड़ा एलिमेंट्स हम लेके चल रहे हैं और यही यूनिकपन होगा इसके अंदर, ये गाना सुनने को भी मिलेगा और ये थिरकने को भी मिलेगा इस गाने में। टोटली यूथ के लिए सब? यस यस, टोटली यूथ के लिए। कितने गाने होंगे इसके? टोटली फाइव सॉन्ग्स और अल्टीमेट होंगे सारे सॉन्ग्स। जावेद के अलावा और कौन कौन गाने वाले? अभी तो जैसे ही गाना जैसे जैसे बनेगा उसके हिसाब से सिंगर डिसाइड किए जाएंगे अकॉर्डिंगली। वीडियो की बात करें चाहिए सर की, तो इसमें क्या कोई जाने माने चेहरे? हाँ, जाने माने चेहरे ढूंढेंगे और हमारे सैंडी जी डायरेक्टर हैं इस वीडियो के और वो खुद ही सब कास्ट वगैरह और पूरा डायरेक्शन हैंडल करेंगे और बखूबी बहुत उमदा कलाकार हैं हमारे सैंडी जी। आप म्यूजिक डायरेक्टर? यस यस, मैं म्यूजिक डायरेक्टर। एक लाइन गुनगुनाएंगे जो अभी गाना गाने वाले हैं। बाहों में आ जा, दिल में समा जा, दिल तू मेरा तोड़ू न को, दिल मेरा ले ले या दिल तेरा दे दे, ये जवड़ दूर जाऊ न को। पूरी देखो, थोड़ा युवा यूथ चल रहा है और महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं, मुंबई का हूँ मैं, तो थोड़ा सा गाना ऐसे बना है कि मराठी एलिमेंट्स डालेंगे, क्योंकि पॉप एल्बम हमेशा कोई ना कोई जोन पे एक फुल मराठी हो गया या फुल हिंदी हो गया, थोड़ा सा यही हमने चलन मिक्स किया है, थोड़ा रिमिक्स टाइप में और कुछ मराठी एलिमेंट्स डाल करके, हिंदी मराठी मिक्स करके और थोड़ा यूनिक चीज़ है। बेहद बेहद गणपति में तो धमाल हो जाएगा, ये गरबा का कह नहीं सकता, मगर जोन गणपति वाला है और फुल धमाल है, ये युवा पीढ़ी बहुत पसंद करेगी इसको। थैंक यू।
यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे आज की रिकॉर्डिंग की, अगर बात करें आप पहुंचे स्टूडियो में, किस तरह का मूड है और गाने की लाइनें क्या है? गाने का जो मूड है वो बहुत पेपी है और मस्ती है गाने के अंदर, और लड़का जो है वो लड़की रूठ गई है उसको मना रहा है, ऐसा सिचुएशन मुझे बताया गया, और छेड़ खाने वाला गाना है। सर और बात करें इसमें जो है आपके गाने कुछ अलग होते हैं, ये किस तरह का मूड है जो इसकी बात करें? इसमें बिल्कुल ये गाना ऐसा कि डांडिया गरबा में ज़्यादा यूज होगा, मराठी का इसमें टच है। आप एक्चुअली मैं सब तरह के गाने गाता हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा टाइप कास्ट कर रहे हैं सब लोग, लेकिन मैं सब तरह के गाने गाता हूँ और सभी जॉनर्स में मेरे गाने तकरीबन हिट हैं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने सवाल किया तो मुझे कहना पड़ा ये बात। और ये गाना भी, क्योंकि क्या मुझे कोई भी मूड मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस मूड में ढल जाऊँ और उस गाने के साथ इंसाफ करूँ, मेरी ये कोशिश रहती है, और बस वही गाना उसी तरह का ये मूड है। इस गाने को थोड़ा सा मस्ती चाहिए, थोड़ा सा मूड चाहिए, थोड़ा सा नज़ाकत चाहिए, तो मैं करने की कोशिश करूँगा। इधर से रमजान चल रहा है, ठीक है रोजे से, उसमें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की क्या शेड्यूल रहता है आपका, इधर से काम भी ज़रूरी है? हाँ जी, मैं रोज़े तो रखता हूँ, आज भी मेरा रोज़ा है और मैं सुबह से ही मैं कुछ काम में लगा हुआ हूँ, तो देखिए ये भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है, जितना काम ज़रूरी है उतना वो भी ज़रूरी है, अगर हम दोनों चीज़ों का बैलेंस करके चलेंगे तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और मैं एंजॉय करता हूँ, बल्कि मेरे अंदर और ज़्यादा एनर्जी रहती है जब मैं रोज़े से रहता हूँ, और कुदरत की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स भी मुझे मेरे साथ में रहती है, ऐसा मैं फ़ील करता रहता हूँ, और जितने काफ़ी गाने मैंने ऐसे हैं जो रमज़ान में गाए हैं और वो सुपर हिट रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज भी जिनके लिए मैं गाना गाने के लिए आया हूँ, जिनके लिए मैं गाना गा रहा हूँ, ये गाना भी कुछ इस तरह का हो। एक गुनगुने एक लाइन सर, ये कोई एक लाइन। ओके। बाहों में आ जा, दिल में समा जा, दिल तू मेरा तोड़ो नको, दिल मेरा ले ले या दिल तेरा दे दे, ये जबल तू जाऊ नको, दिल मेरा ले ले या दिल तेरा दे दे, ये जबल दूर जाऊ नको। मराठी वर्ड कितना मुश्किल था आपके लिए? मेरे लिए में रहते हैं थोड़ी बहुत मराठी, शायद आपको आ भी गई होगी। हाँ हाँ, मराठी में समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता उतनी अच्छी, लेकिन मराठी इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं है मेरे लिए क्योंकि मैं साउथ की भी लैंग्वेजेस गाता हूँ, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ा, सभी लैंग्वेजेस में मैं गाता हूँ, तो उन तमिल से तो काफ़ी इजी है मराठी, उच्चारण में भी और बोलने में भी और समझने में भी, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। जाते थे रमजान पे कोई एक लाइन गुनगुनाना चाहेंगे आप भाइयों के लिए, सबके लिए? रमज़ान पे फ़िलहाल तो मैं ये गाने के मूड में हूँ, लेकिन एक लाइन कोई भी, मेरे जितने भी चाहने वाले हैं और मेरे जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद भी आ रही है, ईद की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद, और सब आपस में भाईचारे से रहें और सब लोग मज़ा लें ज़िंदगी का।